ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगधपुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग इस वीडियो के कई एक पार्ट में, हम लोग एक सीरीज में देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और आईएएस एग्जाम। देखिए, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो बाद में चलकर डीएम और कलेक्टर बनते हैं, बहुत ही प्रेस्टीजियस पद है, सम्मान है और कह सकते हैं कि एक गरिमामय पद है। इसलिए इसका जो करेज है वो युवाओं में बहुत ही अधिक होता है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इस चीज को लेकर हम लोग आखिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, हमारी क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, हम किस प्रकार से एक प्लान बनाकर जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं, और जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, सिविल सेवा में आना चाहते हैं, उनको यह सबसे पहला कह सकते हैं कि प्रश्न वह यही होता है कि आखिर यूपीएससी की तैयारी करें कैसे। मतलब आपने तो एक बार निर्णय ले लिया कि भाई हमें कलेक्टर बनना है, हमें डीएम बनना है, हमें सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सेवा में जाना है, हम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। तो अब है इस निर्णय लेने के बाद, इस लक्ष्य की कह सकते हैं कि को तय करने के बाद, इस उद्देश्य को एक बार निर्धारित करने के बाद, हमें यह जान लेना आवश्यक है कि आखिर इसकी तैयारी कैसे की जाती है। जैसे आपने कोई भी लक्ष्य और गोल को सेट किया, कोई भी एम को सेट किया, अब हम उसे अचीव कैसे करें। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी या फिर आईएएस एग्जामिनेशन, आखिर आईएएस की तैयारी कैसे की जाती है, आईएएस कैसे बना जाता है, आईएएस बनने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स या क्या क्या करने होते हैं, लोग कलेक्टर बनते कैसे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग 8 या 10 वीडियो के सीरीज में हम लोग देखेंगे कि आखिर यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में, पहले पार्ट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड यूपीएससी। सबसे पहले हम यूपीएससी को समझें कि यूपीएससी है क्या, और इसके अनुरूप हम अपने आप को भी समझेंगे कि क्या हम यूपीएससी की तैयारी सही में करने जा रहे हैं, या यूपीएससी हम किसी के बहकावे में, किसी को देख देख में, हम भी तो जोश जोश में तो ये निर्णय नहीं ले लिया कि हमें भाई आईएएस बनना है, हमें कलेक्टर बनना है, क्या यह निर्णय हमारा अपना है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कैसे की जाती है, आईएएस कैसे बना जाता है, यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले इस पे कुछ टिप्स जानेंगे कि यूपीएससी प्रिपरेशन जो है बिगिनर्स के लिए, जो शुरुआती अभी जैसे 12th कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, या फिर जो यूपीएससी के बारे में, इनफैक्ट जो जितने भी टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह, मेडिकल एमबीबीएस वाले होते हैं, उनको लगता है कि भाई हम कैसे यूपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी के बारे में अभी हमें कुछ बेसिक्स चीज़ें नहीं मालूम है, और हम एक बिगिनर हैं, हम एक शुरुआती दौर में हैं, हमें मूलभूत चीज़ें जानना है, हमें इसकी तैयारी करनी है, तो हम कैसे करें। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पहला पार्ट में जानेंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो का एम है हेल्पिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स टू मेक अ वेल प्लान प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। हम सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से हम प्लान बनाएं, किस प्रकार से हम स्ट्रैटेजी बनाएं, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, कोई भी सफलता को अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, कोई भी आप लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर प्लानिंग होना आवश्यक है। किसी विचारक ने कहा है कि प्रॉपर प्लानिंग इज द बेस्ट वे टू लीड सक्सेस, या फिर प्रॉपर प्लानिंग ही हुआ एक कह सकते हैं कि सबसे सुंदर, सुगम और सहज वह माध्यम है जो सफलता के रोड को प्रशस्त करता है, सफलता की ओर लीड करता है। तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना होगा यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, और इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले है कि पहला पार्ट में हम लोग जान रहे हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा और यूपीएससी को भी समझना होगा। देखिए, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से करेंगे, कि हम कोचिंग लेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, हैं, या फिर घर से ही तैयारी करेंगे, या फिर हमारी वैसी कैपेबिलिटी है कि हम मुखर्जी नगर या करोल बाग जाकर पढ़ें, हमारी फाइनेंशियली अगर बैकअप है तो हम जा सकते हैं, अगर नहीं तो हम घर में बैठ ही तैयारी हमें करना होगा। मतलब अगर तैयारी करनी है तो कहीं से भी की जा सकती, अगर नहीं करनी तो बहाने आप बहुत बना सकते हैं।
लेकिन अगर हमें सही में सही रूप से अगर यूपीएससी की बोलूं, अगर जितने भी विद्यार्थी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो घर से करें, कोचिंग ज्वाइन करें, या आपके ऊपर है, इसका निर्णय आपको लेना है। आप अपने फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए इसका निर्णय लें। मैं बस यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि भाई यूपीएससी की तैयारी, वाडियर स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी, बहुत सारे जैसे अनु मैम वगैरह हो गई वो घर में रहकर तैयारी की, जैसे टीना डाबी मैम वगैरह हो गई वो कोचिंग लेके तैयारी की, तो दोनों माध्यम से सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। ऑफलाइन आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करें या फिर आप घर में बैठकर तैयारी करें। अब तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट इरा है, आप ऑनलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं। तो वह आपके ऊपर है, आप इसका डिसीजन स्वयं लें कि हमें यूपीएससी की तैयारी जो है घर से करनी है या फिर कोचिंग संस्था ज्वाइन करके करना है। इस निर्णय को लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं और आपका निर्णय ही सर्वोच्च होगा, बिकॉज हम आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपके इकोनॉमिकली कंडीशंस, आपके कह सकते हैं फिजिकली या घर के बारे में हम आपसे कह सकते हैं उससे परिचित नहीं है। तो इसका निर्णय आप अपने हिसाब से लें, आप अपना डिसीजन यहाँ खुद लें। आगे दूसरा पॉइंट में प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द जर्नी। देखिए यूपीएससी एक कोई 100 मीटर फराटे वाली दौड़ नहीं, यह एक लंबी जर्नी है, एक लंबी यात्रा है। अगर आपको मालूम है यूपीएससी 3 स्टेज से होता है, आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे, प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू। मैं यहाँ इसलिए बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी एक लंबी जर्नी इसलिए क्योंकि इसकी 1-1.5 साल पहले से तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब मान लीजिए 2021 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 2021 का ऐसे तो 27 जून को था प्रारंभिक परीक्षा, लेकिन अब हो गया 10 अक्टूबर को, तो 1-1.5 साल तक प्रीवियस ईयर के करेंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो मतलब आपको 1-1.5 साल तक की तैयारी करनी होगी, तब तो आप मतलब करेंट अफेयर प्रीलिम्स हो गया या मेंस हो गया, करेंट अफेयर का वेटेज बहुत है। आगे हम लोग जानेंगे करेंट अफेयर की तैयारी कैसे की जाती है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी 1-1.5 साल आपको पूर्व करना होगा नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले। तो आपको मान के चलें कि इसमें 1-1.5 साल और फिर इसका 1 साल एग्जाम होता है, नोटिफिकेशन निकला, प्रारंभिक परीक्षा हुआ, मेंस हुआ, फिर साक्षात्कार हुआ, फिर रिजल्ट निकलेगा। मतलब 1 साल तो पहले की तैयारी मान के चले और 1 साल आपको एग्जामिनेशन चलेगा, तो मतलब 1-1.5 साल उधर और 1-1.5 साल इधर, मान के चले आप 2.5 या 3 साल मानकर चल सकते हैं कि यूपीएससी की पूरी जर्नी होती है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं तब, अगर आप जो है चौथी पांचवी या फिर पंचवर्षीय योजना बनाकर चलते हैं कि चलो पांचवी या छठी अटेम्प्ट में तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, बिकॉज जनरल वालों का 6 अटेम्प्ट है, SC ST वालों का अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, वो 37 ईयर तक, OBC वालों 35 ईयर तक भर सकते हैं। तो आप अपने अपने हिसाब से देख लें कि आपको कितने फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, जितने भी अटेम्प्ट मिलेंगे आपका समय उतना ही लगेगा। तो यह एक मैराथन है, एक लंबी जर्नी है, 100 मीटर फराटे वाली दौड़ नहीं बल्कि 5 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर वाली या एकदम लगातार दौड़ने वाली या मैराथन रेस है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा कि भाई हम जो है यूपीएससी के लिए इतना समय जुटा पाएंगे कि हम 4-5 साल इसे डिवोट कर पाएंगे। और डिवोट ऐसे नहीं कि चलो हाँ राम कहानी चल रही है, हम पढ़ रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, 2 महीना पहले हम एकदम फट से सारा बुक्स और नोट्स खोले और 3 महीने पढ़ के एकदम फर्स्ट डिवीजन ले आए। नहीं, यूपीएससी एक पछाड़ की नीति काम करती है, घोड़े का रेस है। कहने का मतलब है इसमें आपको दूसरे को पछाड़ कर आगे निकालना है, इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं है। मतलब 60% से अबव ले आए तो आप फर्स्ट कर गए और सेकंड डिवीजन हो गया, थर्ड डिवीजन हो गया और ओवरऑल सब पास हो गए। नहीं, इसमें अगर 1000, इस बार देखिए इस बार की वैकेंसी है 712 वैकेंसी है, किसी साल 2000 वैकेंसी होते, किसी साल 3000, जितनी भी वैकेंसी हो, तो 712 अगर वैकेंसी है तो मात्र 712 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, बाकी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें 712 का ही सिलेक्शन होगा। अब इसमें है कि आपको सबको पछाड़ के इतने में आना है, तो यह एक लंबी जर्नी है, लंबी मैराथन है, इसलिए आपको यह जानकर चलना होगा। इसके लिए आपको डेडिकेटेड स्टडी करनी होगी लगातार 1-1.5 साल, तो आपको इसके लिए तैयार करना होगा, आपको प्रिपेयर योरसेल्फ, आपको इसके लिए इस जर्नी के लिए आपको अपनी तैयारी बनानी होगी, रणनीति बनानी होगी, इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप इसमें सक्षम सिद्ध हो सकते हैं। आगे प्रिपेयर मेंटली एंड फिजिकली, आपको मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे भी और फाइनेंशियली जो कोचिंग लेना चाहते हैं उसे आर्थिक तौर पे भी मजबूत होना होगा। मतलब आप अगर करोल बाग मुखर्जी, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है कि 2-2 लाख रुपए ट्यूशंस फी है, फिर रहने का 8-10 हज़ार आपको रूम रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, इसके साथ साथ खाना वगैरह हो गया, मेस में खाओ या फिर आप खुद से बनाओ वो मैटर नहीं करता, बट पैसे तो लगेंगे ही, तो 15-16 हज़ार पर मंथ लग जाएगा आपको। तो आपको मानसिक तौर पे भी मजबूत होना है, इकोनॉमिकली आपको मजबूत होना है, फिजिकली आपको मजबूत होना है, मानसिक तौर पे। इसलिए मैं कहा
कि मैंने पहले ही बताया इसमें 3 महीने पढ़कर कॉलेज वाले कह सकते हैं या यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं, टेंथ ट्वेल्थ का एग्जाम नहीं कि फर्स्ट डिवीजन ले आए। इसमें आपको मेंटली एकदम दृढ़ संकल्प के साथ, फिर कमिटमेंट के साथ इसमें जुटना होगा, आपको पूरी तैयारी करनी होगी। बिकॉज इसमें आपकी कह सकते हैं कि 2-3 महीने होते होते आप बोर हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेशन कह सकते हो, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, आप बहुत ही कह सकते हैं कि एक शुरू शुरुआत में तो आपको मेरे अंदर बहुत जोश होगा, लेकिन 2-3 महीने आते आते यह जोश जो है एकदम धीमा पड़ जाता है, आपको फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, करेंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, ऊब होने लगेगा। तो यह ऊब को दाबना होगा आपको मानसिक तौर पर भी, इतनी संकल्प शक्ति के साथ, विल पावर के साथ, फिर कमिटमेंट के साथ इसमें जुटना होगा, लगातार मेहनत करना होगा, तब आप इसके लिए कह सकते हैं क्वालिफाई और इसे क्रैक कर सकते हैं। तो आप अपने आप को मानसिक तौर पे भी मजबूत करना पड़ेगा इस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करने से पहले, कि हम इसमें 2 से 3 साल हम इसमें डिवोट कर सकते हैं, डेडिकेशन स्टडी हम कर सकते हैं। आगे है सेट गोल एंड डिवोट टाइम इफेक्टिवली। फिर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि हाँ अब हम इसके लिए फिर से पुनः संकल्प लेते हैं, नहीं हम यूपीएससी क्रैक करके ही रहेंगे, हम यूपीएससी की तैयारी करके ही रहेंगे, और अपने टाइम को डिवोट कीजिए इफेक्टिवली अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अब आइए हम लोग यूपीएससी जानने का प्रयास करेंगे कि अंडरस्टैंड यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न देखिए मैं बता देता हूँ, 3 स्टेज सभी को मालूम है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू साक्षात्कार। फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट डोर जो है वो प्रारंभिक परीक्षा है, इसके 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2, या कह सकते हैं GS1 का पेपर जो है उससे कट ऑफ निकलता है मेंस के लिए, और GS2 क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो GS1 का पेपर से आप बस मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, इसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में और मुख्य परीक्षा में कैलकुलेट नहीं किया जाता। मुख्य परीक्षा में मेंस एग्जामिनेशन का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ा जाता है। मेंस एग्जामिनेशन में 2 कंपलसरी पेपर होता है, एक इंग्लिश एक हिंदी, इसका भी मार्क्स मुख्य परीक्षा और फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं कैलकुलेट किए जाते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर है और इसमें 33% लाने होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक एसए का पेपर होता है, 4 GS का पेपर होता है, और एक सब्जेक्ट ऑप्शनल का चुनना होता है जिसका 2 पेपर होता है, ठीक है जी। इस प्रकार से मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर हो गए, फिर साक्षात्कार इंटरव्यू। इस प्रकार से हम 3 स्टेज से गुजरने के बाद हम यूपीएससी सिविल सर्वेंट कह सकते हैं बन पाते हैं, सिविल सेवा अधिकारी बन पाते हैं, डीम और भविष्य में जाके कलेक्टर बनते हैं। इसके साथ साथ आपको इसको सिलेबस वगैरह जानना पड़ेगा, यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में आप तो सोच रहे हैं, तो इसका सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस ही वही एक्सेस है, कह सकते ना कि पृथ्वी होता है, पृथ्वी गोल है और वह घूमती है, किस पे घूमती है, एक्सेस पे, अपने ध्रुव पे घूमती है। तो सिलेबस को एक्सेस मान के चले, ध्रुव के मान के चले, और आपकी जितनी भी तैयारी है, जितना भी नोट्स बन रहा है, जितना भी करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करेंगे। अदरवाइज अंडर द सन इसमें कुछ भी पूछ लिया जाता है, करंट अफेयर कुछ भी आता है, बट उसका कोई ना कोई लिंक सिलेबस से जरूर होता है। मैं बार बार विद्यार्थियों को ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आप सिलेबस और इस एक्सेस को अपना ध्रुव और कह सकते हैं धुरी मानकर नहीं चलेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, आप इसमें बिखर जाएंगे, बिकॉज अंडर द सन और करंट अफेयर में सब चीज इंक्लूड हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, कुछ भी स्टैटिक पढ़ रहा हूँ, बस सिलेबस से इंक्लूड देखिए, भाई सिलेबस में है, सिलेबस के टॉपिक्स में है, तो आप यह पढ़ें और इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं, ठीक है जी। तो मेंस का सिलेबस हो गया, जीएस का सिलेबस हो गया, ऑप्शनल का सिलेबस हो गया, इन तमाम चीज़ों को जानना है, एज लिमिटेशंस के बारे में जानना है, यूपीएससी को किस प्रकार, जैसे अब प्रारंभिक परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, मुख्य परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव इन नेचर, इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, तो इस पर आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट भी करना है। आगे हम तमाम चीज़ों के बारे में जब हम डिटेल में देखेंगे तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ बस हम यह जान रहे हैं, पहला पार्ट है ये कि नो योरसेल्फ और योर कह सकते हैं कि एम अबाउट द यूपीएससी, यूपीएससी के अपने लक्ष्य के बारे में जाने कि यूपीएससी है क्या, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके नेचर्स क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग आज इस पार्ट में जानने का प्रयास कर रहे हैं। आगे है, इफ यू आर वर्किंग नॉट टू क्वाइट योर जॉब, मेक टाइम टेबल फॉर स्टडीज एंड चार्ट प्लान। देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जॉब भी कर रहे होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, और वो अपनी जॉब को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती है, उनको परिवार भी चलाना होता है, आईएएस की तैयारी भी करनी होती है। तो आपको किस प्रकार से इन दोनों चीज़ों में एक संतुलन बनाना होगा, दोनों चीज़ों को इस प्रकार से मेंटेन करके चलना होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप काम भी करते रहें और आपकी तैयारी भी होती रहे। तो इसलिए आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा और टाइम टेबल के साथ स्टडी प्लान और चार्ट प्लान बनाना होगा, ठीक है जी, जिससे कि आप जो है अपने टाइम को सही मायनों में यूपीएससी की तैयारी में डिवोट कर सकें। आपको सोशल मीडिया वगैरह से कह सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप से
ट्विटर से, आपको इंस्टाग्राम से, ये सब से आपको दूर हटना होगा। आपको टाइम किस प्रकार से चुराए, आप कहीं जैसे बस से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं मेट्रो से जा रहे हैं, दिल्ली वगैरह मेट्रो में आप अगर आधा आधा घंटा व्यतीत करते हैं, तो उस वक्त में आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लें, कुछ नोट्स पढ़ लें, कुछ मोबाइल में राज्यसभा या लोकसभा का डिस्कशन डिबेट देख लें। तो इस प्रकार से आप टाइम का वाइजफुली यूटिलाइजेशन करके आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और टुडे तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप ऑनलाइन कहीं भी आप कह सकते हैं कोई टॉपर्स की वीडियो देख सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, तो ये आपको सुविधा मिला है, आप इसका फुली यूटिलाइजेशन करना सीखिए। एंड पॉसिबल टू बैलेंस बोथ प्रिपरेशन एंड जॉब, और इस प्रकार की रणनीति बनाएं ताकि हम जॉब कहीं भी कह सकते हैं तैयारी जॉब भी करते रहें और अपनी तैयारी भी इस प्रकार से हो ताकि हम यूपीएससी को क्रैक कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने जाना कि यूपीएससी के क्या है, और हम अपने बारे में जाना कि हम यूपीएससी के लिए जो है सही मायनों में इसकी तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, तो यूपीएससी के लिए हम सही रूप में सशक्त हैं या नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के बहकावे में, भाई हमें हमारे पापा ने बोला है कि हमें कलेक्टर बनना है, हमारे भैया और हमारे चाचा आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी करना चाह रहे हैं, हमारे दोस्त आईएएस बना है तो हम भी, मतलब बहकावे बहकावे में आ गए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग जो है यूपीएससी की और आईएएस की तैयारी इसलिए करना चाहते हैं, यूपीएससी और आईएएस में कह सकते हैं कि एक गरिमा है, भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटा कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, मतलब माँ बाप का भी सीना चौड़ा हो जाता है, गाँव में एकदम जोर शोर से इसका कह सकते हैं प्रचार प्रसार किया जाता है, भाई इसका बेटा तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, भाई फलना का बेटा तो कलेक्टर बनने की तैयारी कर, मतलब एक रुतबा होता है। तो रुतबे के लिए आप ना जाएं, आप सही में कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप सही में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तभी आए। अन्यथा होगा क्या कि आप दो चार महीने में ही धराशायी हो जाएंगे, आपका मनोबल टूट जाएगा और आप जो है फिर छोड़ छाड़ के घर बैठ जाएंगे, या फिर आप अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य 3 से 4 साल यूं ही व्यर्थ गवा देंगे। अगर आपकी अपनी निजी इच्छा शक्ति है, निजी गोल है, आप सही मायनों में आप बनना चाहते हैं, ना कि आपके पेरेंट्स और आपका दोस्त ने कह दिया तो आप बनना चाहते हैं, नहीं, आपको अपनी माँ बाप की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी, और कर भी ना पाएंगे आप। यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जिसमें जब तक आप हिम कमिटमेंट के साथ, डिटे इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प के साथ, जब तक आप नहीं ठानेंगे कि हमें बनना है, तब तक आप अंदर से मोटिवेट ना रह सके। बिकॉज यूपीएससी, मैं बार बार कहता हूँ, एक मैराथन है, एक लंबा जर्नी है, एक लंबा संघर्ष है, इसमें आपको अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए, अंदरूनी उत्साह चाहिए, तब आप गिरेंगे भी, हताश भी होंगे, निराश भी होंगे, लेकिन फिर उठ खड़े होंगे, नहीं हमें तो बनना ही है, हमें तो इसको क्रैक करना ही है, हमें इसे क्वालिफाई करना ही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन, ताकि मैं जब इसका अगला पार्ट को डालूं, सेकेंड पार्ट भी जल्द ही आ रहा है, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले पार्ट में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।